हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी कोई भी घड़ी का टाइम अगर गड़बड़ हो जाता है तो हम किसी दूसरी घड़ी से अपना टाइम मिला लेते हैं और उस अपनी घड़ी का टाइम सही कर लेते हैं। पर गाइस, आपने कभी सोचा है कि जब पहली बार घड़ी बनी थी तो किस घड़ी के द्वारा उसका टाइम सेट किया गया था? उससे पहली तो कोई घड़ी थी नहीं, तो फिर किस प्रकार टाइम को सेट किया गया था, किस मानक द्वारा टाइम को देखा गया था कि अब इतना समय हुआ है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो घड़ी चलती थी उसे सन डायलर कहते थे। इससे सन की रोशनी से जब छाया किसी मानक पर पड़ती थी तो उसी से हम अपने समय का पता लगा लेते थे। और कहीं कहीं पर वाटर क्लॉक टावर भी बने हुए थे जिससे कि पानी गिरता था और वहां पर एक स्केल मापक लगा होता था जिससे कि हम पानी को देख लेते थे और वहां पर समय का पता चल जाता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब पहली बार घड़ी को सेट किया गया था, उसके टाइम को सेट किया गया था, तो सन डायलर का ही प्रयोग किया गया था। उसके टाइम से ही घड़ी के टाइम को मिलाया गया था और आज हमारी घड़ी उसी के टाइम से चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।